तो गाइस मैं आज मेरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को फुल डिटेल्स में आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ माँ दुर्गा का प्रतिमा किस तरह से बनाया जाता है और उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कितना दिन लगता है, एक मूर्ति तैयार करने में कितना दिन लगता है और कुल खर्चा कितना लगता है। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आकाश बागदास यूट्यूब चैनल पर। कभी मूर्ति बनाए हुआ देखा है कि मूर्तियां बनते कैसे हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश बागदास और आप लोग देख रहे हैं आकाश बागदास यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज खड़ा हूँ हम लोग का तेजपुर सिटी के बीचों बीच हाड़ीपट्टी ये एरिया पे। तो यहीं पर दुर्गा का प्रतिमा बनता है। तो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिमा बन रहा है, इसको रेडी किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक तरफ से पूरा फुल डिटेल्स के साथ दुर्गा प्रतिमा किस तरह से निर्माण किया जाता है और इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को लोकेशन दिखाऊंगा, आप कैसे आ सकते हैं, दुर्गा प्रतिमा बुक कर सके और लोकेशन क्या है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये लोकेशन है, आपको सामने मेन रोड मिलेगा, सामने आपको ये लोकेशन है, आपको सामने मेन रोड मिलेगा, उसके सामने आपको मिलेगा अनंत कॉम्प्लेक्स। अनंत कॉम्प्लेक्स के फ्रंट से ही आपको एक गली, आपको अंदर आया हुआ है गली, तो यही गली का नाम है आपका हाड़ीपट्टी। तो आप इस तरफ से भी आ सकते हैं। तो इस तरफ से आने के बाद भी आपको ये मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आपका जो जहाँ पर प्रतिमा बनता है ये है। तो ये लोकेशन है आपका। तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले तो ये स्टैचू दिखा देते हैं आपको माँ दुर्गा का। तो अभी तो ये फुल्ली रेडी नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है, इसको ऐसे ही अभी बना के रखा गया है। तो गाइस ये देख रहे हैं यही मिट्टी है, यही मिट्टी, ये मिट्टी खेतों से लाया जाता है, वो भी ये ऐसे वैसे मिट्टी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यही मिट्टी से यहाँ पे मूर्तियों को यहाँ लेपा जाता है, देख सकते हैं यही मिट्टी है, यही मिट्टी से यहाँ पे लेपा जाता है सभी मूर्तियों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ढांचा तैयार किया जा रहा है। और ये फ्रेम जो ये कटिंग कर रहे हैं ये फ्रेम के लिए है, जो बैक साइड फ्रेम है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये मिट्टी से यहाँ पे लेपा जा रहा है।
तो ऐसा इस तरह से होता है। तो अभी कारीगर लोग देखिए, जो ढांचा बनाया था, जो ढांचा था मूर्ति का, तो उस ढांचे के ऊपर इस तरह से मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक ये हाथ है, ये अलग अलग पार्ट पार्ट करके बनाया जाता है। ये देखिए भैंस का ये सर है, आप देख सकते हैं ये भैंस का सर है। इसी तरह अलग अलग पार्ट करके यहाँ पे बनाया गया है, तो बनाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से तैयार किया जाता है। तो गाइस, अभी मैं ये जो मूर्ति निर्माण होता है, फैक्ट्री मतलब कारखाना ही बोलूँ, तो ओनर है, तो इनसे बात करना चाहते हैं। पहले इनसे जानकारी लेते हैं, मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है, कुल खर्चा कितना लगता है, और क्या क्या मटेरियल चाहिए, सब डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आप बोलिए सर, ये मूर्ति बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? पहले एक एक मूर्ति बनाने के लिए एक हफ्ता लग जाता है। एक हफ्ता ये ढांचा बनाने के लिए? ये ढांचा तो कल से शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद फ्रेम बनाया। हाँ, तो बनाया। हाँ, उसका एक दिन पूरा लग जाएगा। उसके बाद और जो काम है, हाँ, दो तीन दिन लगेगा। इसमें टोटल कितना दिन लगता है? एक हफ्ता लग जाता है सब। एक हफ्ता लग जाता है ना। उसके बाद जो आप लोग मिट्टी लगाते हैं उसके ऊपर, वो कितना दिन लगता है? ये आपको वो लेके हम एक हफ्ता पकड़ लिया, वो मिट्टी और ये बनाने जो ढांचा है, ढांचा जो बनाने के, उसके बाद पेंट होता है। उसके बाद पेंट नहीं, उसके बाद इसमें भी मिट्टी देना पड़ेगा, जो क्ले जो देता है, क्ले दे के उसको स्मूथ करना पड़ता है। उसके बाद जो काम है इसमें और डिजाइन वाला काम है, उसको करने के बाद उसको जो अभी जो देख रहा है, ये जो फटा रह रहा है, इसको फिनिशिंग देना है, इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कलर बाद में होगा। कलर करने के बाद मेन फिनिशिंग आएगा। मेन फिनिशिंग है, वो जो आँखें देगा, उसके बाद दूसरा जो शेप देगा, आँखें, उंगली वगैरह, उसमें कलर होगा। उसके बाद आपका साड़ी वगैरह पहनाएंगे, वो तो कॉस्मेटिक चीज लगाना पड़ेगा। तो कुल कितना दिन लगता है पूरा फुल तैयार? एक मूर्ति बनाने में आपको जैसे अच्छा से बनाने से एक महीना भी लग जाता है ऐसे मूर्ति देखने में। एक एक मूर्ति का जो बनाना चाहिए उस समय भी दाम होना चाहिए, माने कॉस्मेटिक जो खर्चा जो है, क्वालिटी भी अच्छा होगा। लेकिन आजकल तो वो नहीं है। कस्टमर लोग चाहता है जो थोड़ा कम दाम में भगवान का पूजा करना चाहिए, बस कम में अच्छा भगवान मिले। हाँ, वही बात। तो भगवान तो भगवान है, चाहे जैसे भी पूजा कीजिए, है कि नहीं, लेकिन दिल से करना चाहिए। हाँ, वही बात। तो इसमें आपको कुल खर्चा कितना लग जाता है एक एक मूर्ति का? देखिए, कोई कोई कस्टमर बोलता है जो हम लोग उधर में मिलता है 25,000, 20,000, 15,000 में मिलता है। इधर में भी एक ही सेम चीज़ है, उधर में दे सकता है तो हम भी दे सकता है, लेकिन वो जो चीज़ जो दे रहा है 15,000 में, क्वालिटी के बाद तो लोग मानता ही नहीं है। लेकिन कल कौन सा दे रहा है, क्या दे रहा है, उसके बाद नहीं है, बस मूर्ति अच्छा होना चाहिए, बस यही बात एक तो है। वही बात है। और कितना खर्चा लगता है एक मूर्ति में? एक एक मूर्ति में पकड़ लीजिए ना, ये लोग जो बनाता है 5,000, 6,000, 7,000 करके, 8,000 करके जो मेकिंग वो लोग खाली लेता है। उसके बाद जो बेम्बू है, काट है, घास है, ये जो सुतली जो देख रहा है इसको, इसको एक यहाँ में आपको सील घाट से आता है और कलकत्ता से आता है ये सुतली। सारा आसाम में जितना सुतली देख रहा है, इसका फैक्ट्री आसाम में कितना है मैं मालूम नहीं है, लेकिन एक तो हम लोग का सीलघाट में एक तो है, और आसाम का धुबरी गोरीपुर में भी एक तो है, और इधर में ज़्यादातर ज़्यादा आदमी सब कलकत्ता से आता है। कलकत्ता वाला जो चीज़ जो है थोड़ा क्वालिटी अच्छा है, दाम भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अच्छा। कोई कोई आदमी वेतन से करता है, एक महीने का, महीने का बाद तो अलग है, फ्रंट सिस्टम भी अलग, डेली का हाजिरा जो तो है वो अलग है। सब कारखाना में चलाना में बहुत किस्म का चीज़ रहता है। तो टोटल कुल कितना खर्चा आ जाता है एक एक मूर्ति का? टोटल देखिए, इतना कमती दाम वाला मूर्ति जो है, एकदम जो लोएस्ट 15,000 का मूर्ति जो है, उसमें 7-8-9 हज़ार चला जाता है।
उसके बाद उसका भाड़ा है इसका कारखाना घर का, उसके बाद आप पकड़ लीजिए कितना बेनिफिट होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वो चलता है बस आदमी, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, बस वही पूरा जनता के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं। कोई एक पूजा करे, हम लोग का परंपरा है माँ दुर्गा का पूजा करना, हर आप लोग सदियों से हम लोग का ये चल रहा है, तो इसीलिए आप सेवा कर रहे हैं सबको। लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए, आदमी कैसा काम कर रहा है, कुल खर्चा कितना आ रहा है इसमें और इसका हाजिरा कितना गिर रहा है। एक एक बात क्या है, दो साल में जो कोरोना का जो लहर पड़ गया, इस लहर में क्या हुआ, जो कस्टमर लोग थोड़ा सुविधा मिल गया, जो जो दाम कोरोना टाइम में थोड़ा मूर्ति ले लिया, उसका उसका और बढ़ता नहीं है। देखिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, घट जा रहा है, घटती हो रहा है। वो जो कोरोना करके करके बस वो लोग कितना जितना कम सकेगा वही काम कर रहा है। तो गाइस ये जब कंप्लीट होता है जो मिट्टी के लेपने के बाद, इसके बाद इसको पेंट किया जाता है, कलर इस पर कलर किया जाता है, माँ दुर्गा को कलर किया जाता है। एक एक कलर जो इन पे कलर लगता है, तो एक एक कलर इस पर पेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आभूषण वगैरह, साड़ी वगैरह, जो अस्त्र वगैरह यहाँ पे डाला जाता है। दुर्गा माँ के प्रतिमा तैयार हो चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा अभी रेडी हो चुका है और डिलीवरी भी हो रहा है, क्योंकि अभी कल से पूजा स्टार्ट है, तो अभी यहाँ पे माँ दुर्गा का प्रतिमा डिलीवरी हो रहा है। तो आप लोगों को सभी फुल वीडियो में लेके आया हूँ, आप लोगों को ए टू जेड किस तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाया जाता है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके, कॉस्मेटिक वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाइनली फिनिशिंग हो चुका है और कारीगरों ने एक काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक शानदार तरीके से एक माँ दुर्गा का प्रतिमा को एक आकार दिया है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने बात किया ये कारीगर भैया से, तो आज ही पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि कल से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा, तो आज रात के अंदर ये लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर एक रूप, एक आकार दिया गया है, जो इनका एक्चुअली कारीगरों का हाथ का जादू ही कहते हैं हम लोग। तो इनका हाथ का जादू और इनका कारीगरी कितना बेहतर है। तो गाइस प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पेंटिंग हो रहा है, तो ये माँ दुर्गा का प्रतिमा पे इस तरह से यहाँ पेंटिंग किया जाता है, एक एक ध्यान रखा जाता है पेंटिंग में और बारीक से किया जाता है। भैया ये आपको ये कंप्लीट एक मूर्ति बनाने में कितना दिन लगता है? वैसे तो आप पहले से काम स्टार्ट हो जाता है हम लोग का, अप्रैल से ही बना हुआ रहता है, फिर फिनिशिंग हम लोग विश्वकर्मा पूजा के बाद से स्टार्ट किया है, तो 10-12 दिन लगता है। मतलब टोटल 10-12 दिन लगता है ना? हाँ 10-12 दिन लगता है पूरा कंप्लीट। तो एक एक मूर्ति आप कितना में आप लोग सेल करते हैं? तो ये किसी का फिक्स प्राइस नहीं होता है, सब तो फिर भी एक एक मिनिमम रेट होता है, 30,000-35,000 के अंदर में गिर जाता है एक। हाँ ठीक, तो 1-35,000 के अंदर आ जाता है ना। तो आज तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि कल से दशहरा है। हाँ तो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना आप लोगों का? हाँ। इस तरह से माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉस्मेटिक है जो माँ दुर्गा के उस पर ये बालों का बाल लगाएंगे, यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग वैरायटीज के हैं, ये सभी बाल है जो यहाँ पे अभी लगाना है ऊपर, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये माँ दुर्गा अभी इसको डिलीवर किया गया है। ये कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे कारीगरों ने
दुर्गा माँ का प्रतिमा बना के तैयार किया है, जो कारीगरों का हाथ का जादू है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको एक रूप दिया गया है, जो हम लोग को संस्कृत में है और परंपरा है जो बरसों से चला आ रहा है, दुर्गा पूजा दशहरा। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक शानदार तरीके से रूप आकार दिया गया है माँ दुर्गा को। कारीगर का मेहनत अभी रंग लाया है और उन्होंने बहुत मेहनत करके एक एक पल मेहनत करके माँ दुर्गा का प्रतिमा अभी निर्माण करके रेडी किया है। तो अभी फुल डिलीवरी हो रहा है और कल से ही दशहरा स्टार्ट होने वाला है। वो आकाश बागदस के तरफ से सभी को दशहरा का हार्दिक शुभकामना, साथ ही दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना। आपका दिन अच्छा रहे, आपका ये दशहरा आपका फैमिली के साथ इंजॉयफुल रहे। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।